हेलो स्टूडेंट, आज हम चोक की डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, डिजाइन ऑफ चोक्स, चोक अर्थात इंडक्टर। इंडक्टर की हम किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो भी चोक होता है या फिर जो भी इंडक्टर होता है, इसकी डिजाइनिंग भी स्मॉल ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के समान ही होता है। चोक जो होता है, उसकी जो अपेरेंट पावर है, अपेरेंट पावर का जो हाफ अगर हम कर देते हैं, तो वो जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग की होती है, तो उसकी जो चोक होगी, तो उसकी जो रेटिंग हो जाएगी Q/2। यानी कि जो भी छोटे, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, तो छोटे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वोल्ट एम्पियर में, तो उसकी अगर रेटिंग की अगर हम वैल्यू को आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो इस तरह से हम जो जो भी चोक होगा उसकी रेटिंग हमको मिल जाती है। फिर हम उसी वोल्ट एम्पियर रेटिंग के अकॉर्डिंग हम चोक की डिजाइनिंग कर लेते हैं, जहाँ पे क्यू क्या है, ट्रांसफार्मर के वोल्ट एम्पियर रेटिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में जोड़े जाने के लिए 0.38 एम्पियर की एक करंट को ले जाने के लिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आयरन की कोर वाली चोक की डिज़ाइन करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम डायरेक्टली इसमें हम क्वेश्चन ही देखेंगे किस तरह से हम एक चोक की डिजाइनिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रांसफार्मर है, स्मॉल ट्रांसफार्मर, जिसे हम उसमें कैलकुलेशन करते थे, जैसे करंट की वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना कंडक्टर की, फिर मीडियम कवरिंग के लिए देखना, फिर थिक कवरिंग के लिए हम कंडक्टर की डायमीटर को देखना, फिर हमको जो भी इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना होगा, विंडो रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम जिस तरह से स्मार्ट ट्रांसफार्मर में हम कैलकुलेट करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम कोर की डिजाइनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अपरेंट पावर जो होगा Q इक्वल टू क्या होगा, VI, यानी कि V की वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 230 वोल्ट, और I करंट की वैल्यू 0.38 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 87.40 वोल्ट एम्पियर। तो चोक को, जो भी इंडक्टर है, इसको हम Q/2 वोल्ट एम्पियर की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के रूप में हम विचार कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो भी कोर चोक होगा उसकी जो रेटिंग होगी Q/2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 87.40 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे जो भी वोल्ट एम्पियर जो भी रेटिंग आएगी कितनी आएगी, 43.7 वोल्ट एम्पियर। अब हम यहाँ पे टर्न पर वोल्ट निकालेंगे। टर्न पर वोल्ट, TE के मान क्या हो जाएगा, टर्न पर वोल्ट, यानी कि पर वोल्ट में कितना टर्म्स होंगे, ये हम किससे निकालेंगे, टेबल नंबर 5 से। जैसा कि हमने स्मॉल ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के करते समय हमने जो भी टेबल नंबर 5 से हम वोल्ट एम्पियर रेटिंग के अनुसार हम TE की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी चूँकि की डिजाइनिंग करते समय हम वोल्ट टर्न पर वोल्ट TE की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे TE की वैल्यू जो होगी वो 7.5 होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी वोल्ट, सॉरी, जो चोक है उसका जो रेटिंग है 43 दशमलव कुछ आ रहा है। इसलिए हम यहाँ टेबल नंबर 5 से हम देख सकते हैं कि 43 वोल्ट एम्पेयर के लिए जो TE की वैल्यू है वो 25 और 50 वोल्ट एम्पियर के बीच बैरी कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो TE की वैल्यू हम लेंगे 7.5 हम कंसिडर करेंगे। माना कि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी है, बी मैक्स वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि हमने स्मॉल ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन में हमने देखा था, माना था, वैसे ही हम यहाँ पे भी हम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर मान लेंगे। फिर उसके बाद से हम
मैक्सिमम फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय उसी फार्मूले से जो हमने पिछले थ्योरी में देखा था, तो 1 बाय 4.44 इंटू एफ इंटू टी ई से हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे फाई एम की वैल्यू। 1 बाय 4.44 इंटू 50 इंटू 7.5, इसकी वैल्यू जो आ रही है 6.006 इंटू 10⁻⁴। ये वेवर, जो भी फ्लक्स होता है उसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, वेवर होती है। तो इस तरह से हम फाइव एम की वैल्यू निकाल लिए। फिर टोटल एरिया ऑफ कोर, जो भी कोर हम यूज करेंगे, जो भी चोक है, इंडक्टर है, उसकी डिजाइनिंग के लिए जो भी हम कोर यूज करेंगे उसकी टोटल एरिया कितनी होगी, टोटल एरिया ए आई कितनी हो जाएगी। ए आई इक्वल टू होगा, होता है फार्मूला होता है फाई एम डिवाइडेड बाई बी एम। यहाँ से फाई एम की वैल्यू हम रख देंगे 6.006 है, यहाँ पे 6.006 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1। बी एम की वैल्यू हमने यहाँ पे मान रखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी एम, ठीक है, बी एम की वैल्यू रख दिया। तो टोटल एरिया आप कोर कितना आ गया, 6.006 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर हम कोर ग्रास एरिया निकालेंगे, यानी कि ए जी की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे हमने स्मॉल जी ले लिया है, वहाँ पे हमने कैपिटल जी लिया था। तो ए जी इक्वल टू ए आई डिवाइडेड बाई 0.9। 0.9 है स्टैकिंग फैक्टर, हमने बताया था स्टैकिंग फैक्टर का मान है 0.9। तो यहाँ पे 6.006 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 0.9। तो यहाँ से ए जी की वैल्यू, कोर ग्रास एरिया ए जी की वैल्यू कितनी आ गई, 6.6733 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हमको मिल जाता है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स इन वाइंडिंग देखेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी इक्वल टू होता है वी वोल्टेज इंटू टर्न पर बोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू 230 वोल्ट इंटू टर्न पर बोल्ट की वैल्यू हमने देखा था टेबल नंबर 5 से 7.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1725 टर्म्स। ये हमको टर्म्स मिल गया, कितने वाइंडिंग में टोटल टर्म्स होंगे कॉयल में, ये हमको निकल गया। फिर करंट डेंसिटी हम देखेंगे, मान लेते हैं हम माने थे 2.3 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर। उस वजह से हम एरिया ऑफ कंडक्टर निकाल लेंगे ए डैश की वैल्यू। ए डैश इक्वल टू करंट आई अपान करंट डेंसिटी, करंट आई अपान करंट डेंसिटी से। तो करंट डेंसिटी हमने लिया 2.3, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.1652 एमएम स्क्वायर। उस वजह से डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट 4 बाय पाई इंटू डी सॉरी ए डैस। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 4 बाय पाई इंटू ए डैस, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू रख के हम यहाँ डी डायमीटर, डायमीटर ऑफ वायर निकाल लेते हैं 0.4587 mm। अब हम क्या करेंगे कि टेबल नंबर 4.3 से हम क्या करेंगे, निकटतम व्यास देख लेंगे कौन सा हो रहा है। तो जो निकटतम व्यास हो रहा है, जो डायमीटर हो रहा है कंडक्टर की, वो कितनी हो रही है, 0.462 mm हो रहा है। यहाँ पे कॉपर वायर के डायमीटर को दिखाया गया है, नॉमिनल कंडक्टर डायमीटर mm में दिखाया गया है, फिर नॉर्मल कवरिंग इन mm में दिखाया गया है, फिर थिक कवरिंग के लिए डायमीटर दिखाया गया है, ओवरऑल डायमीटर दिखाया गया है। जैसा कि ये 4.3 टेबल नंबर 4.3 है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी डायमीटर की वैल्यू आया है नॉमिनल, यहाँ पर हम मीडियम कवरिंग के लिए 0.513 mm दिया हुआ है डायमीटर, और थिक कवरिंग के लिए 0.535। यहाँ पे नॉर्मल जो डायमीटर कंडक्टर की जो वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं 0.462 के लिए, मीडियम कवरिंग के लिए 5.5
13 और 0.535 दिया हुआ है, जैसा कि हम टेबल नंबर 4.3 में देख सकते हैं। हमने निकाला कितना है, 0.4587 mm। तो हम ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। फिर से यहाँ जो डायमीटर विथ मीडियम कवरिंग के लिए हम देखेंगे, मीडियम कवरिंग के लिए जो डायमीटर है कंडक्टर की कितनी हो जाएगी, डी डैश की वैल्यू हम टेबल से ही देख लेंगे उसी का रो से, तो कितनी आएगी मीडियम के लिए, 0.513 mm आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ कंडक्टर हम निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू पाई बाई फोर और डी डैश स्क्वायर। तो हम जब हम कवरिंग ले मान के, जब हम डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा कुछ चेंज हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी हम कवरिंग यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह का इंसुलेशन ही होता है, इंसुलेशन के कारण उसकी डायमीटर बढ़ जाती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम जो एरिया ऑफ कंडक्टर हम जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर डी डैश स्क्वायर हम लेंगे, क्योंकि ये जहाँ पे जो डी डैश है ये डायमीटर विथ मीडियम कवरिंग के लिए हम ले रहे हैं, जो कि इंसुलेशन के बाद जो डायमीटर हो जाता है कुछ बढ़ जाएगा, इसलिए उसके अनुसार जो कंडक्टर की जो एरिया होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो पाई की वैल्यू 3.14 × d की वैल्यू 0.513² / 4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2065 आ रही है mm। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर निकल गया है कि वैल्यू 0.2065 mm। फिर यहाँ पे हम 0.8 का स्पेस फैक्टर लेने पर ये वैल्यू हमको मिल रहा है। फिर रिक्वायर्ड विंडो एरिया कितना हो जाएगा, 1.2 × t, टी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और इंटू एरिया ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय 0.8। 0.8 जो है इसको हम बोलते हैं जो रिक्वायर्ड विंडो एरिया है 5.3 cm² आ रहा है। एक ट्यूबलाइट के लिए जे जे लेमिनेशन लेमिनेशन का हम यूज करते हैं, जिसकी माप 4.16 टेबल में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो भी हम चोक बनाएंगे तो वह जे क्रॉस जे का लेमिनेशन का यूज करके हम बनाते हैं। इस केस में विंडो एरिया जो हो जाएगा 60 68 × 12 = 816 mm² = 8.16 cm². तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस केस में जो विंडो एरिया है कितना है, 8.16 cm², जबकि कितना आवश्यक कितना है, 5.3 cm². तो इसलिए जो हमारा विंडो एरिया आ रहा है टोटल इतना आ रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड हमको इतना ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी वाइंडिंग है इतने विंडो एरिया में बहुत आसानी से हम वो इतनी टर्म्स की हम वाइंडिंग कर सकते हैं, अर्थात इस तरह इस साइज की जो स्टैम्पिंग हम वाइंडिंग के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पे बी एम की वैल्यू 1 वेबर/m² लेंगे। तो यहाँ से एयर गैप का एवरेज टर्म्स क्या हो जाएगा, इसको हम ए टी जी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 × 0/2, और बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 6 3 000। यह गैप लंबाई के एम्पियर टर्न्स के आरएमएस वैल्यू है, जहाँ पे बी मैक्स वैल्यू 1 वेबर/m² फ्लक्स पाथ में सीरीज एयर गैप की जो संख्या है एन जी इक्वल टू हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे हम चोक इम्पीडेंस निकालेंगे जेड की वैल्यू, जो भी चोक है इंडक्टर है उसकी इम्पीडेंस की वैल्यू निकालेंगे, जेड इक्वल टू टी टू डिवाइड बाई टी ब्रैकेट में ए टी वन एल वन प्लस एन जी ए टी जी एल जी। यहाँ से जेड की वैल्यू हो जाएगी 230 बटा करंट की वैल्यू 0.38 = 605। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 1725, और टी की वैल्यू 7.5। आयरन पार्ट के लिए आवश्यक एमएमएफ की उपेक्षा करना,
तो जो भी आयरन पार्ट है उसके लिए कितना MMF होना चाहिए, वो हम यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई एलजी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5.6 mm। फार्मूला में यहाँ पे हम रख देंगे जेड की वैल्यू 6.05 और टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे टर्न्स की। ये क्या है, टर्न्स है 1725 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7.5 ब्रैकेट में 2 × 5630 L×GL। जी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 5.6 mm। तो जो जेड है, जेड की वैल्यू क्या होती है, आर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम आर की वैल्यू हम ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स मान लें, यहाँ पे बुक में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आर हम लेस लेस देन एक्स मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी जेड तो ये इसकी हम वैल्यू को 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जेड इजकल टू एक्स हो जाएगा, जेड इजकल टू एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स इजकल टू हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ओमेगा इजकल टू 2 πf होता है और एल इंटू एल हो जाएगा। तो इस रिलेशन से हम इंडक्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं चूक की। तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई 2 πf। एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू जो जेड के बराबर है और जेड की वैल्यू कितनी है 605 ओम है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 605 डिवाइडेड बाई 2 × 605 डिवाइडेड बाई 2 × 3.14 × 50। तो यहाँ से जो इंडक्टेंस की वैल्यू है 1.9 हेनरी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी है इंडक्टेंस की वैल्यू, चोक के इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी मिल जाए, 1.9 हेनरी।